नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं इस चैनल में, उसमें से कोई भी वीडियो में मैंने ऐसी बात नहीं की कि आप अपना क्रिएटिनिन कैसे कम कर सकते हो। लेकिन आज ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी जो चैनल है उसमें जो एनालिटिक्स दिखते हैं, मतलब कि जो उसका डेटा दिखता है, तो दोस्तों उसमें मुझे देखने को मिला कि हमारे ज्यादातर वीडियोस देखने वाले लोग दूसरे जो वीडियोस देखते हैं उसमें ज्यादातर आयुर्वेदिक के वीडियो शामिल है कि ये दो चीज खा लो क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, ये एक चीज कर लो किडनी फिर से शुरू हो जाएगी, इतना कर लो उतना कर लो और डायलिसिस हमेशा के लिए कम कर दो या बंद कर दो और ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं वो ज्यादातर लोग हमारे चैनल्स के जो व्यूअर्स है वो भी देखते हैं। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, मेरा भी जब डायलिसिस चल रहा था या फिर मेरी जब किडनी फेल हुई थी तो मैं भी इंटरनेट में इस तरह के वीडियोस देखता था और उसमें जो चीज बताते थे वो सारी चीजें मैं करता था लेकिन फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें क्रिएटिनिन सच में कम होता है। आप भी दूसरे कुछ वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें वो लोग रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं कि पहले क्रिएटिनिन 10 था अब 3 हो चुका, पहले 15 था अब 5 हो चुका, ये रिपोर्ट्स भी दिखते हैं। तो आपको सवाल होता होगा कि क्या वो रिपोर्ट्स झूठ बोल रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट्स गलत है? नहीं, वो रिपोर्ट्स सही है, लेकिन वो जो सच्चे रिपोर्ट्स है उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कृपया एक निवेदन करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखना और सब कुछ क्लियरली समझना। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा वीडियो देखना दोस्तों, आपके दिमाग में जो भी सवाल है जो भी भ्रम है वो सारे इस वीडियो में टूटने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज है कि लोगों को सच्ची जानकारी मिले, लोग कहीं झांसे में ना आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नुस्खे हैं, कौन कौन से किस्से हैं जिसमें क्रिएटिनिन सच में कम होता है और वो जो रिपोर्ट्स में दिखता है कि 15 क्रिएटिनिन का 3 हो चुका, 10 का 2 हो चुका, तो उसके पीछे का राज क्या है? एक ये तरीका है दोस्तों कि अगर आपकी किडनी फेल हुई ही नहीं है लेकिन थोड़े टाइम के लिए क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया है, थोड़े टाइम के लिए क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो उसको तो सिंपल सी बात है, कुछ भी दवाई आप ले लो, आयुर्वेदिक भी ले लोगे या फिर नेफ्रोलॉजी की दवाई भी ले लो, जो एलोपैथी की दवाई होती है वो भी ले लोगे, तो क्रिएटिनिन नीचे आने ही वाला है। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्यूट किडनी डिसीज, यानी कि आपकी किडनी हमेशा के लिए फेल नहीं हुई थी, थोड़ा सा क्रिएटिनिन थोड़े टाइम के लिए बढ़ गया था, ऊपर आ चुका था, तो वो थोड़े टाइम के बाद कुछ दवाइयों के सपोर्ट से और थोड़ा कुछ आप डाइट में ध्यान रखोगे तो वो क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा। लेकिन किडनी अगर फेल नहीं होगी, सिर्फ एक्यूट किडनी डिसीज होगी तो ही हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज में नहीं हो सकता। एक्यूट किडनी डिसीज मतलब क्या दोस्तों, कि किडनी फेल नहीं हुई थी लेकिन किडनी पे कोई इन्फेक्शन हो गया था, कोई सूजन आया था या कोई एक्सीडेंट में थोड़ी सी चोट लग गई थी या दूसरी कोई बीमारी आपको हुई थी जिसका इफेक्ट किडनी पे भी पड़ा था, तो वो थोड़े टाइम के लिए किडनी को असर करता है और क्रिएटिनिन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो ये किडनी ने काम करना हमेशा के लिए बंद नहीं किया था, किडनी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी डिसीज। और इसमें क्रिएटिनिन थोड़े टाइम ऊपर रहता है, कुछ दवाई आप करते हो, डाइटिंग में ध्यान रखते हो, तो क्रिएटिनिन धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आप जो रिपोर्ट्स इंटरनेट पे देखते हो ध्यान रखना कि इसमें से भी कुछ रिपोर्ट्स वो लोग दिखाते हैं। अगर आपकी क्रॉनिक किडनी डिसीज है तो ये तरीका आपको काम नहीं लगने वाला। अब दूसरे तरीके की बात करता हूं दोस्तों, कि जिसमें सच में क्रॉनिक किडनी डिसीज है, यानी कि किडनी फेल हो चुकी है लेकिन फिर भी क्रिएटिनिन नीचे आता है, किस तरह से? तो मार्केट में बहुत जगह पर स्टीरॉयड की गोलियां मिलती है, बहुत हाई डोज की स्टीरॉयड की गोलियां वो आपको दी जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है वो थोड़े टाइम के लिए नीचे आ जाएगा, काफी नीचे आएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आप बहुत खुश हो जाओगे कि वाह क्या दवाई है, मैं तो एकदम ठीक हो गया, किडनी मेरी एकदम ठीक हो गई। लेकिन ये तरीका गलत है, स्टीरॉयड जो है बहुत हाई डोज वाला वो थोड़े टाइम के लिए क्रिएटिनिन को दबाने का काम करेगा लेकिन किडनी उससे चालू नहीं हो जाएगी। तो बहुत सारे रिपोर्ट जो आप इंटरनेट पर देखते हो, यूट्यूब के वीडियोज में दिखाते हैं, उसमें से कुछ रिपोर्ट्स इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को स्टीरॉयड की गोलियां दी जाती है, खुद पेशेंट को भी पता नहीं होता कि ओवरऑल मेरा शरीर जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए रिपोर्ट्स में अच्छा दिखता है लेकिन ओवरऑल बाकी सारे शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए वो गलत चीज है। तो इस तरह के रिपोर्ट्स भी इंटरनेट पे दिखाए जाते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से स्टीरॉयड ले लेकर क्रिएटिनिन को थोड़े टाइम के लिए दबाना ये सही नहीं है, थोड़े टाइम के लिए ही क्रिएटिनिन नीचे आ सकता है, हमेशा के लिए वो क्रिएटिनिन इसी सहारे इसी तरह स्टीरॉयड की गोलियां लेके उसको हम कंट्रोल में रख सके ये पॉसिबल नहीं है, थोड़े टाइम बाद फिर से वो बढ़ने ही वाला है और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट
करवाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा एक तरीका होता है जिसकी वजह से लोग आपको झांसे में फंसाते हैं, आपको ये बताते हैं कि देखो हमारी दवाइयां इतनी पावरफुल है कि आपकी किडनी भी चालू हो सकती है, लेकिन ये झूठ हो सकता है। तीसरा एक तरीका जो सभी आयुर्वेदिक के वैध डॉक्टर सब यूज करते हैं, माफ करना अगर आप आयुर्वेदिक को बहुत चाहते हो तो, मैं आयुर्वेदिक के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन जहां पर काम करता है वहीं पे आयुर्वेदिक काम करता है, किडनी चालू करने में आयुर्वेदिक काम नहीं करता। तो ये आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर जो है करते क्या है, दवाई आपको कोई भी दे देंगे, कोई भी कड़वा काढ़ा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन उनका जो मेन पर्पज होता है, मेन जो तरीका, मेन हथियार होता है आपका क्रिएटिनिन कम करने का, वो होता है आपका प्रोटीन बंद करवाने का। अब क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन जब भी हम खाते हैं तो क्रिएटिनिन जो बनता है वो प्रोटीन में से ही बनता है, तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोटीन ही आपका बंद करवा देंगे, दाल मत खाना, कोई भी कठोल मत खाना, दूध मत पीना, डेयरी प्रोडक्ट सारी बंद करवा देंगे, आप गिनी चुनी कुछ 5-6 चीजें ही खा सकोगे, इतना कर देंगे। सीधी सी बात है, प्रोटीन बॉडी में जाएगा ही नहीं तो क्रिएटिनिन बनेगा ही नहीं, आपको रिपोर्ट्स में अच्छा दिखेगा लेकिन ओवरऑल ये गलत है, क्योंकि हमारे शरीर के बाकी सारे ऑर्गन के लिए, बाकी सारे अंग के लिए प्रोटीन जरूरी है। आप क्या करोगे, अगर प्रोटीन कम कर दोगे तो क्रिएटिनिन तो कम हो जाएगा, आपको रिपोर्ट्स में अच्छा दिखेगा, लेकिन उससे किडनी शुरू नहीं हो जाती दोस्तों, और बाकी जो शरीर में प्रोटीन की जरूरत है वो आप प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी और बाकी सारे अंग जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। आप क्रिएटिनिन कम करने के चक्कर में पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये एक ऐसी बात है कि आप अगर मार्केट में जाते हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, कोई आपको बोल दे कि भाई सांस लेना बंद कर दे तो पॉल्यूशन शरीर में नहीं जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, सांस लेना तो हम बंद नहीं कर सकते, तो इसी तरह से प्रोटीन भी बंद नहीं कर सकते क्रिएटिनिन कम करने के लिए। प्रोटीन जो है वो जरूरी है बॉडी में, हमारे बॉडी में ब्लड के लिए और सभी ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन जरूरी है। कोई भी एलोपैथी वाले डॉक्टर प्रोटीन बंद नहीं करवाते, जो पढ़े लिखे डॉक्टर है नेफ्रोलॉजिस्ट वो प्रोटीन बंद नहीं करवाते। दोस्तों ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें होती है, 6-7 साल की उनकी पढ़ाई होती है, उसके बाद वो नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। तो क्या उनकी पढ़ाई में, उनकी किताबों में कभी भी ऐसा नहीं आया होगा कि प्रोटीन बंद करके या नीम के पत्ते खा के या ऐसा कुछ करके किडनी शुरू की जाए जा सकती है, उन्होंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा? क्या वो लोग बेवकूफ है? दोस्तों जिन लोगों ने स्टडी की है, जिन लोगों ने किडनी को समझा है, उनको पता है कि प्रोटीन बंद करके क्रिएटिनिन कम करना ये कोई सही इलाज नहीं है, तब जाके उन्होंने ये सोचा कि भाई डायलिसिस करवाना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। वो लोग बहुत अकलमंद है। हम अगर बैंक में जाते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, अगर हमें कोई फॉर्म फिलअप करना नहीं आता तो हम किसको बोलते हैं कि भाई फॉर्म फिलअप कर दो? हमें कोई पढ़ा लिखा इंसान दिखता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई मुझे ये बैंक में मैं आया हूँ लेकिन फॉर्म मुझे ये भरना नहीं आता, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। कि आप कोई दूसरे ऐसे इंसान को तो नहीं पूछोगे ना कि जो खुद किसी और को ढूंढ रहा हो उसमें फॉर्म भरने के लिए। लेकिन किडनी की प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसको कुछ नॉलेज नहीं, जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसका कहा भी मानते हैं, जिसको किडनी के बारे में कोई समझ नहीं है, जिसने किडनी के बारे में पढ़ा नहीं है, वो भी हमें बता देगा कि भी प्रोटीन बंद कर दो या नीम के पत्ते खाओ, पीपल की छाल उतार के खाओ, उससे क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, आपकी किडनी शुरू हो जाएगी। तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं 6-6-7-7 साल तक स्टडी करते हैं, फिर एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती होगी। तो वो लोग सिर्फ कमाने के लिए नहीं बैठे दोस्तों, जो डॉक्टर्स है वो आपको ठीक भी करना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो, कुछ लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स है ना वो तो कमाने के लिए बैठे हैं। मैंने जितने भी आयुर्वेदिक यूज करने वाले लोग देखे वो क्रिएटिनिन कम तो कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, किस तरह से, प्रोटीन बंद करके। प्रोटीन बंद होता है तो क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन नहीं बनता, एनर्जी नहीं आती, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी, प्रोटीन अगर बॉडी में होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपका शरीर जो है वो कोई प्रयोगशाला नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते। जिस लोगों ने पढ़ाई की है, जिस लोगों ने किडनी को समझा है बहुत सालों तक, वो लोग जो कहते हैं उनकी मानने में हमारी समझदारी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कहीं पे कोई कॉन्टेस्ट चल रहा हो जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे जीतने पर। कॉन्टेस्ट क्या है कि आपको फ्लाइट में ले जाया जाएगा, प्लेन में ले जाया जाएगा, और प्लेन में कुछ 1,000 पैराशूट पड़े होंगे और आपको कोई भी एक पैराशूट उठा के नीचे जंप लगाना है। अगर आप जिंदा जमीन तक पहुंच गए तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है? अब ध्यान से सुनना कि वो जो 1,000 पैराशूट जो प्लेन में पड़े हैं उसमें से कोई एक ही पैराशूट ऐसा है जो सही है और काम करता है और वो खुलेगा भी,
हवा में। आप ढूंढो 1000 पैराशूट में से एक पैराशूट अच्छा है, उसको ढूंढो और पहनो और छलांग लगा दो नीचे, और आप अगर नीचे तक आ गए तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्या आप ये गेम खेलोगे 1 करोड़ के चक्कर में? नहीं खेलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भी 1000 पैराशूट में से एक ही पैराशूट अच्छा है, बाकी तो सारे खराब है, तो इसमें मरने के पूरे चांसेस है, आपको पता है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि 1000 पैराशूट है, उसमें से एक ही खराब है, बाकी सारे अच्छे है, तो क्या आप ये गेम खेलोगे? खेलोगे, क्योंकि आपको पता है कि भी बाकी सारे पैराशूट अच्छे है, एक ही खराब है, तो मेरे हिसाब में जो मेरे हिस्से में जो आएगा वो अच्छा पैराशूट ही आएगा। तो इस तरह से आयुर्वेदिक का होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि किसी की भी किडनी ठीक नहीं हुई होगी आयुर्वेदिक से। 1 लाख में से 1 या 2 किस्से अच्छे होते हैं, तो क्या आप खुद को इतना नसीबदार समझते हो कि 1 लाख में से ये 1-2 जो किस्से होते हैं वो आप ही के साथ होंगे? तो टाइम, एनर्जी और पैसे, ये सब क्यों आप बर्बाद करते हो? दोस्तों, मैंने देखा है कि दुनिया में सबको यही डर है कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, कहीं से कोई इलाज मिल जाए, कहीं से कोई दवाई मिल जाए कि हमें ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, डायलिसिस भी ना करवाना पड़े और हमारी किडनी फिर से चालू हो जाए। और उस चक्कर में लोग कहां कहां जाते हैं, कैसे कैसे डॉक्टरों को मिलते हैं, कैसे कैसे वैद्य को मिलते हैं, और सब लोग उनको लूट लेते हैं। बाजार में हर जगह पैसे कमाने के लिए लोग बैठे हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, और आप उसमें क्यों पढ़ रहे हो जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है? इसलिए पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स पढ़े हैं, उन्होंने ये सब कुछ पढ़ के ये निष्कर्ष निकाला है कि भी बंद किडनी फिर से शुरू नहीं हो सकती, तो इसलिए जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक डायलिसिस करवाना चाहिए, और ट्रांसप्लांट हो जाए तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। 1 लाख में से 1 या 2 किस्से खराब होते हैं, उसकी वजह से आप डर कर डायलिसिस नहीं करवाते या ट्रांसप्लांट नहीं करवाते, ये कितनी गलत बात है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए और आपका जो सही डिसीजन है वो लीजिए, आपके शरीर की वैल्यू कीजिए। और एक बात तो गारंटीड है कि भी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बॉडी अच्छी हो जाती है, जीवन एकदम अच्छा हो जाता है। मैं हूं आपके सामने, 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और मैं एकदम हेल्दी हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, मैं उनको मिलता हूं, पर्सनली बातें करता हूं। दोस्तों, 12 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, वो लोग भी आते हैं एकदम हेल्दी, अकेले आते हैं, बड़ी सी बैग उठा के दूर दूर से भी आते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नॉर्मल लाइफ। तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चेक किए क्यों डरते हो, और उन लोगों की बातें क्यों मानते हो जिनको किडनी के बारे में कुछ भी नहीं पता? अफवाह फैलाने वाले बहुत है, लेकिन उनकी अफवाहों में मत पड़ो, सुनना बंद कर दो। जिसको समझ है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी ही बात समझो। दोस्तों, आपका शरीर है, मैं चाहता हूं कि हर कोई हेल्दी रहे, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूं कि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक वाले वीडियो ही देखना प्रीफर करते हैं। आप ये चीज ध्यान में रखिए कि यूट्यूब में कोई कुछ भी बना सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। यूट्यूब हमने रोकने नहीं आता कि आप ये गलत बोल रहे हो वीडियो में, यूट्यूब कुछ रोकने नहीं आता। यूट्यूब सिर्फ ये देखता है दोस्तों कि आप किसी का वीडियो सेम टू सेम कॉपी करके अपने चैनल में ना डालो, बस, बाकी कोई कुछ भी बना सकता है। यूट्यूब के हर वीडियो पे भरोसा मत करो, आपका शरीर है, आपको चुनना है कि सही रास्ता कौन सा है। बस यही पर्पस था मेरा इस वीडियो बनाने का। तो आप समझ चुके होंगे कि क्रिएटिनिन किस तरह से कम किया जाता है, डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से। डायलिसिस से भी कम होता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 डायलिसिस करवा दिया और क्रिएटिनिन कम हो गया, उसके बाद वो उतना ही रहेगा, नहीं। डायलिसिस बंद करवाओगे तो फिर से क्रिएटिनिन बढ़ेगा। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है, मैंने देखा है कि पहले हमारा क्रिएटिनिन 15 था सर, फिर हमने डायलिसिस कुछ करवाया और अब हमारा क्रिएटिनिन 4 हो गया, तो क्या अब हम डायलिसिस बंद करवा सकते हो? अरे भाई समझो, डायलिसिस करवाया तभी तो आपका क्रिएटिनिन कम हुआ है, फिर से डायलिसिस बंद कर दोगे तो क्रिएटिनिन फिर से बढ़ जाएगा। तो डायलिसिस रेगुलर करवाओ, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक रेगुलर डायलिसिस करवाओ और फिर ट्रांसप्लांट करवा लो। इतनी सिंपल सी बात है दोस्तों। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, मेडिकल साइंस इतना आगे है, डॉक्टर्स इतने टैलेंटेड है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे होंगे तो, सही ट्रेन में बैठे होंगे तो ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। गलत ट्रेन में बैठोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, उल्टा भटक जाओगे। इसलिए भटको मत, सही रास्ता चुनो, और जो सक्सेसफुल रास्ता है उसी को चुनो। तो इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था दोस्तों। और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।